आप लोगों ने ना अभी इंटरनेट पे और यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियो और न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि अमित भाई को सांप ने मतलब कि बाइट कर लिया, मतलब काट लिया। तो इस रिलेटिव उनके टीममेट जो कि है मोहित भाई और शशिकांत भाई, वो लाइव आए थे और उन्होंने बताया भी था अपना अमित भाई के चैनल पे क्रेजी एक्स रिजल्ट पे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अमित भाई को सांप ने बाइट कर लिया था, ठीक है। तो मेरी अभी टीम से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि टीम वाले पता नहीं कॉल नहीं उठा रहे हैं अभी भी। वैसे मेरी बात होती है बट अभी कॉल कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है, अब ये नहीं पता क्यों नहीं कर रहा है। बट हाँ, मैंने ना बात की है किसी और से, पता किया है मैंने ना, अभी अमित भाई के ना हालत ठीक है, अभी खतरे से बाहर है, सीरियस नहीं है। एंड यार आप लोग है ना, सब लोग मिल के दुआ करो और अमित भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। देखो यार, मैं उनकी टीम का हिस्सा था बट अभी नहीं हूँ, बट ये तो है यार कि मैं अभी तक उनके साथ ही जुड़ा हूँ। मैं उनकी टीम में नहीं हूँ बट उनके साथ आज तक जुड़ा हुआ हूँ। और शायद यही बात है भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो नहीं बनाना चाहता था मैं बट सब लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि भाई सचिन भाई बताओ एक बार क्या हुआ। मैं लाइव भी आया था, लाइव में आप लोगों को बताया था कि सांप ने बाइट कर लिया, अभी बात नहीं हो पा रही है। जब से बात होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट अभी जो जो मेरी बात हुई ना जिनसे, वो बोल रहे कि अभी सीरियस में नहीं है, हालत ठीक है अभी और आई होप कि जल्दी ही ठीक हो जाए। एंड यार गाइज, आप लोग है ना, सब लोग मिलके ना भाई प्रेयर करो और हम भी प्रेयर करेंगे भाई, हम हमारे अमित भाई को कुछ भी नहीं होने देंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे ना। तो भाई मैं उनसे मिलने के लिए वापस घर पे भी जाऊँगा, अलवर जाऊँगा, अपने घर पे भी और उनके घर पे भी। अभी मैं फ़िलहाल तो मुंबई के अंदर हूँ एंड ये वाला वीडियो भी मैं कार के अंदर बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि यार भाई बाहर तो इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा। एंड यार गाइस, यार सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग है ना सबके सब है ना भाई अमित भाई के लिए प्रेयर जरूर करना क्योंकि यार कोबरा साहब ने काटा है। कोबरा साहब आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा डेंजर होता है, कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, बट भगवान हमारे साथ है। और आप जिसकी पूजा करते हो ना भाई, जिनकी भी पूजा करते हो आप भाई, एक बार उनके पास हाथ जोर जोड़ देना। मैं भी भगवान की तरफ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भगवान जल्दी जल्दी हमारे अमित भाई को ठीक कर दो। एंड वो वैसे ही कंटेंट के साथ हमारे साथ कल लाइव आए यूट्यूब में और सबको बताएं कि भाई अमित भाई बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ऐसा हो जाए, कल लाइव आके अमित भाई खुद बताएं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कह यार आप लोग है ना, सब लोग एक बार कमेंट करना एंड यार सब लोग प्रेयर करना भगवान से। एंड यार वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं था मेरा, बट आप लोग पूछ रहे थे बार बार सचिन भाई क्या हुआ, क्योंकि वो लोग तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं रिप्लाई कर दूँ आप लोगों को, टीम मेट से बात नहीं हो पा रही है मेरी। बट हाँ, मेरी जिनसे बात हो रही है ना, कोई हैं वो दरी के ही जो मेरे गांव के ही हैं, उनसे बात हो पा रही है तो बता रहे हैं कि अभी सीरियस नहीं है, कंडीशन ठीक है। बट यार एक मेन पॉइंट है कि सांप ने कहाँ काटा, कैसे काटा और कहाँ थे, ये अभी तक भी नहीं पता लगा कि वो कहाँ थे उस टाइम और सांप ने उनको कैसे काटा, ठीक है। जैसे भी पता लगता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी अमित भाई जल्दी ही आके रिकवर होके आप लोगों को बता देंगे। एंड यार सीरियसली बता रहा हूँ, अमित भाई सांप वगैरह या जानवर जितने भी होते हैं ना भाई, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनके साथ रहता है ना। तो भाई डॉग्स वगैरह आते थे घर में तो उनको रोटी वगैरह डालते थे, ठीक है, गाय वगैरह को रोटी डालते थे, भाई इतना ज़्यादा केयर करते हैं वो, बहुत ज़्यादा नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। एंड यार सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेचर के अच्छे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस। यार मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को सुन के। मैं बाइक से चल रहा था तो मेरे पास कॉल आया कि एक बंदे ने कहा कि भाई सचिन भाई ऐसा हुआ है, अमित भाई ने सांप काट लिया, ये बात सच है क्या? बोला है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो मैंने वीडियो खोल कर देखा उनका, तो अमित भाई मोहित भाई और जो शशिकांत भाई है ना, वो लाइव आ रखे थे जो चैनल है उनमें। तो भाई इतना सीरियसली बता रहा हूँ, बाइक खड़ी करके एक बार तो कॉल किया मैंने उनके पास, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। बट यार सीरियसली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। आई होप कि वो जल्दी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे एंड हमारे पास आएंगे। हम कुछ भी नहीं होने देंगे हमारे अमित भाई को, कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने नहीं देंगे। एंड यार गाइज, आप लोग है ना, आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, सब लोग है ना एक बार प्रेयर जरूर करना यार। अभी है ना इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो भाई वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों में शेयर करता हूँ। एंड यार मेरे किसी भी वीडियो में ना मोनेटाइजेशन ऑफ रहेगा, मतलब ऑन नहीं रहेगा, ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो भाई इन वीडियो से मेरे को पैसे नहीं कमाने हैं, आप लोग सिर्फ प्रेयर कर देना अमित भाई के लिए, प्लीज़ यार सब लोग प्रेयर कर देना।